ये शुरुआत हुई 8 नवंबर को, जब मोदी जी ने 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी किया। उस समय उन्होंने पूरा का पूरा देश का पैसा लोगों की जेब से निकालकर बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाला। अब अजीब सी बात है कि मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए निकालकर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री शायद 1 घंटा 45 मिनट बच्चों को एग्जाम लेना सिखाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीन कर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है।